बहुत दिन हो गए रेप हुए, अभी तक ठीक ठाक से जांच नहीं हुआ। हम चाहते हैं जांच जल्दी हो और हर कोई अपराधी जो है उसको सजा मिले। हमारे हॉस्टल सारे अनसिक्योर है, सब कुछ का गेट खुला हुआ है, सारे बिल्डिंग्स में लोग घुस रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, कौन है अकाउंटेबल? चाहते हैं कि इंसाफ मिले, लेकिन सीबीआई का पास्ट रिकॉर्ड बंगाल में अच्छा नहीं है। बट करेंटली अभी जो सिचुएशन है कैंपस का, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। हम लोग सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। जो चोर है, जो रेपिस्ट है, उनको जेल के अंदर जाना है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में आरजी कार्ज में जिस तरह से रेप की घटना हुई थी, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि डॉक्टर जैसे प्रोफेशन, जो देश का सबसे सम्मानित प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में अगर एक लेडी डॉक्टर जो है नाइट ड्यूटी करती है तो उसके साथ किस तरह से अत्याचार होता है, किस तरह से दरिंदगी देखने को मिलती है। रेप की घटनाएं जो है पूरे देश भर में हो, मतलब कई घटनाएं सामने आती है, मगर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ममता बनर्जी की तरफ से यह बयान सामने आया था कि किसी भी तरीके से अगर जरूरत पड़ी तो जो मतलब का जो भी आरोपी है उसको जो है फांसी की सजा भी दी जा सकती है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम को सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी। पश्चिम बंगाल में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी इस पूरे प्रोटेस्ट में कूदी हुई है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे फिर सीपीआईएम हो, दूसरी तरफ कांग्रेस हो। हालांकि कांग्रेस के और सीपीआईएम के आला कमान की तरफ से कुछ ऐसी नहीं आती है और ये मीनाक्षी मुखर्जी है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। काफी सारे लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो घटना हुई है उसको किस तरह से, मतलब आज जो सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? कौलोतान दास गुप्त। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम डीवाईएफआई से हैं। अच्छा सर, ये है कि जो कार्जीकर में जो रेप की घटना हुई उसमें एक की गिरफ्तारी हुई और सुप्रीम आज जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस मामले को सीबीआई को सौंप दिया, तो क्या नाराजगी या गुस्सा कम हुआ या आज भी वैसे ही है? हाँ, नाराजगी है क्योंकि बहुत दिन हो गए हत्या हुए, बहुत दिन हो गए रेप हुए, अभी तक ठीक ठाक से जांच नहीं हुआ। हम चाहते हैं जांच जल्दी हो और हर कोई अपराधी जो है उसको सजा मिले। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि हमने 24 घंटे में आरोप, दीदी बोलती बहुत है लेकिन काम उतना नहीं होता। अच्छा। जो वो बोले हैं उससे काम अच्छा हो, पुलिस हर जो सस्पेक्टेड है उसको अरेस्ट करे, जल्दी कार्रवाई करे, यही हमारा मांग है। सीबीआई को सौंप दिया गया, क्या उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले लेकिन सीबीआई का पास्ट रिकॉर्ड बंगाल में अच्छा नहीं है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि जैसे ये घटना हुई शुक्रवार को जब खबर आई, हालांकि थर्सडे की ये घटना है, तो क्या आपके मन में ये सवाल हुआ कि जो आपके घर में महिला है उसको भी सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए रात के समय में? नहीं, महिला तो सड़कों पे निकलेंगी। नहीं, जो चोर है, जो रेपिस्ट है, उनको जेल के अंदर जाना है। अच्छा। इसी नारे को लेकर हम यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं कि हर कोई हो, नागरिक है वो रस्ते में निकलेगा और चोर जो है, रेपिस्ट जो है, खूनी जो है, वो जेल के अंदर जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में सीपीआईएम कुछ पॉलिटिकल पॉइंट उठा रही, पॉलिटिकल रोटी सेक रही है? किसी बच्ची का रेप और मौत हो जाना, उसको लेकर प्रोटेस्ट करना अगर पॉलिटिक्स है तो हम उस पॉलिटिक्स करते जाएंगे। मतलब विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस, ये कोई बात नहीं है, बात है पॉलिटिक्स का क्या है। हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए और देश में इंसाफ चाहना तो कोई गुनाह नहीं है। घंटे में तो गिरफ्तारी हुई ना उसकी? नहीं, और बहुत सारे है, तो बड़े बड़े नेता है, उनके सब जाने पहचाने लोग है, वो अरेस्ट नहीं हुए, उनको भी अरेस्ट होना है, इसी मांग से हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ देखिए किस तरह से आरजी करके बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे लगातार जो है महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत हो रही है, महिला को लेकर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं पूरे देश भर में भी हो रही, मगर आरजी कर में जो घटना हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया, तोड़ दिया, मगर उसके बाद आज जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को जो है सीबीआई को सौंप दिया है। क्या कुछ निकलेगा वो तमाम बड़े अपडेट होंगे, कुछ लोगों से जुड़े और बातचीत करें कि उनका जो आज सीबीआई को सौंपा गया
गया, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या कुछ जो अपडेट आ रहा है उस पर उनकी क्या राय है और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? आरजी कार के घटना ने जिस तरह से पूरे देश को झकझोर दिया है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, शायद वो सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल का भी हाल अब अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ शुक्रवार को, उसने पश्चिम बंगाल के नैतिकता पर, पश्चिम बंगाल की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे देश भर में प्रदर्शन चला और खास करके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में खास करके प्रदर्शन चला। मैम, योर नेम? डॉक्टर अनीशा जी, तो आज 5 दिन इस पूरे घटनाक्रम को हो गए, गुस्सा तो होगा ही, मगर आज पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है, क्या उम्मीद है कि सीबीआई से इंसाफ मिलेगी? सीबीआई पे हमारा भरोसा है, हमें न्याय चाहिए, वो सीबीआई से मिले या कोलकाता पुलिस से मिले वो हमारे को नहीं देखना है, जहाँ से न्याय मिले वी आर वेलकमिंग दैट, बट न्याय होना चाहिए। बट करेंटली अभी जो सिचुएशन है कैंपस का, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, हम लोग सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, पुलिस इज नॉट डूइंग देयर जॉब, रैंडम मॉब घुस रहा है, हमारे हॉस्टल सारे अनसिक्योर है, सब कुछ का गेट खुला हुआ है, सारे बिल्डिंग्स में लोग घुस रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, कौन है अकाउंटेबल? हम लोग किसके पास जाके हाथ जोड़े कि हमें आके आप प्रोटेक्ट करो? शुड वी एज द सेंटर टू सेंड देयर फोर्सेस? दैट इज माई क्वेश्चन राइट नाउ, आर वी सिक्योर ऑन दिस कैंपस इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी पुलिस पीपल? अभी जैसे हॉस्टल्स है, लड़कियां जो गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे बॉडीगार्ड वगैरह कोई नहीं है? कोई 200 लोग पे एक गार्ड है, क्या वो सही है इस पूरे माहौल में? 200 लोग पे एक गार्ड है और एक पुलिस, जो कि पूरे टाइम भी नहीं रह रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई है, अब एडमिनिस्ट्रेशन कब आएगी हमसे बात करने वो हमें नहीं पता। एनर्जी ने कहा है कि अगर नीड पड़ा तो मतलब फांसी दी जाएगी, फांसी हम भी चाहते हैं, सबसे बड़ी सजा भी फांसी ही है, एंड वी वांट दैट। अच्छा, ये घटना हुआ तो आपके परिवार वाले अब जो है सोचते हैं कि नहीं भेजा जाए डॉक्टर? मतलब बहुत सब चिंतित है, सब कोई चिंतित है, क्योंकि हम लोग भी बहुत दूर से आए यहाँ पे पढ़ने, हर घंटे हमारे माँ बाप का फोन आ रहा है कि आप सही हो कि नहीं, तो हम लोग सब यहाँ पे चिंतित है, वी आर स्केयर्ड फॉर आवर ओन लाइफ्स। आप लोग जो अलग अलग प्रोटेस्टर आ रहे हैं उनका वेलकमिंग कर रहे हैं या आप लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं? वी वेलकम प्रोटेस्टर्स इफ दे वांट टू प्रोटेस्ट विद अस पीसफुली, बट कोई आके यहाँ पे शांति को भंग करना चाह रहा है वो सही नहीं है। तो पुलिस की अच्छी कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, दैट इज माई फाइनल। तो पूरे देश भर में इस प्रोटेस्ट ने एक अलग तरीके से सवाल खड़े कर दिए। हम आरजी कार में फिलहाल मौजूद है, पीछे मेरे जो है लड़कियां प्रदर्शन कर रही है, उन तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी। रजा अंसारी की रिपोर्ट देश नीति के लिए।